हाय गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे हम इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़ी हुई सारी खबरें डिस्कस करते हैं। गाइस, इससे पहले मैं स्टार्ट करूँ, प्लीज़ 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 लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, जिससे कि हम आने वाली सारी न्यूज़ से आपको जोड़े रखें और आपको एकदम अप टू डेट इन्फॉर्मेशन रहे इलेक्ट्रिक व्हीकल इकोसिस्टम के बारे में और सारी नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल। सो लेट्स बिगिन टुडेज़ बिग न्यूज़। एंड एक आर्टिकल छपा है fool.com करके, एक वेबसाइट है, इसमें ये बोला गया है कि टेस्ला का बैटरी डे तो हुआ ही हुआ, लेकिन आपको कुछ और भी कंपनीज़ हैं जिनके ऊपर फोकस रखना होगा, जो कि इस इलेक्ट्रिक व्हीकल इकोसिस्टम में काफ़ी ज़्यादा मचाने वाली हैं। पहली कंपनी जिसका नाम बताया गया है वो है गाइस क्वांटमस्केप। क्वांटमस्केप एक वो कंपनी है जो कि सॉलिड स्टेट लिथियम मेटल बैटरी के ऊपर काम कर रही है, जो कि थियोरेटिकली लिथियम आयन बैटरी से ज़्यादा स्टेबल है और ज़्यादा एनर्जी डेंसिटी है। ज़्यादा एनर्जी डेंसिटी मतलब आपको कम बैटरी साइज़ स्टोर करना पड़ेगा, कम बैटरी साइज़ मतलब आपकी गाड़ी हल्की होगी। सो दैट इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग। सो दैट्स वन थिंग दिस कंपनी इज़ एक्चुअली ट्राइंग टू वर्क इन टू। इसके इन्वेस्टर्स बहुत बड़े बड़े लोग हैं, जिसमें कि बिल गेट्स भी शामिल है और एक टाइम पे रह चुके टेस्ला के इंजीनियर जेबी स्ट्रॉडल भी उसमें से एक हैं, और एक और इम्पोर्टेंट इन्वेस्टर है इनके पास, वो है वॉक्स वैगन। रिसेंटली आपने देखा ही होगा कि निकोला एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी में फंस गया, उसके सीईओ ने रिज़ाइन कर दिया और उसके शेयर भी गिर गए, बट क्वांटमस्केप ने इस माहौल में भी $1 बिलियन का कैश किसी तरीके से जुगाड़ लिया है। तो दैट इज़ अ गुड थिंग टू लुक फॉरवर्ड टू। एंड दैट इज़ इट अबाउट दिस पर्टिकुलर कंपनी गाइज। एंड मूविंग ऑन, दिस इज द नेक्स्ट कंपनी विच गोज बाय द नेम ऑफ हिलियन। और हिलियन एक ऐसी कंपनी है जो कि जो इलेक्ट्रिक ट्रक्स हैं उसमें घुस रही है, लेकिन बहुत ही अलग तरीके से घुस रही है। ये अपने इलेक्ट्रिक ट्रक्स नहीं बना रही, लेकिन ये एक पावर ट्रेन, जिसको हाइपर ट्रेन बोलते हैं, हाइपर ट्रक सॉरी, तो ये फुली इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन बना रही है, जो कि एग्जिस्टिंग ट्रक से इंटीग्रेट करे जा सकते हैं। सो एक तरीके से कन्वर्ट करे जा सकते हैं। तो ये उस पर्टिकुलर बिजनेस में एंटर करी हुई है, और इसने काफ़ी सारे मैन्युफैक्चर के साथ, जो कि एक्चुअली 6 बड़े मैन्युफैक्चर हैं, उनके साथ इसने बातें करनी भी शुरू कर दी हैं और पार्टनरशिप। सो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग टू लुक फॉरवर्ड टू, क्योंकि आप जब ऑलरेडी ट्रक मैन्युफैक्चरर हैं, आप उनके साथ इंटीग्रेट करिए, आप अपनी ट्रक मैन्युफैक्चरिंग क्यों कर रहे हैं। दैट्स द लॉजिक दिस कंपनी इज़ बेस्ड ऑन। सो लुक आउट फॉर दीज टू कंपनीज, हिलियन, और पहली कंपनी मैंने आपको बताई थी वो थी क्वांटमस्केप। गाइस, दूसरी न्यूज़ पे मूव करते हैं, बहुत बड़ी न्यूज़ है, जो नीति आयोग है उसने ये बोला है कि इंडिया शुड प्लान $4.6 बिलियन इंसेंटिव्स फॉर बैटरी मेकर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल बाय 2030, यानी 2030 तक 40 करीब आपको 4.6 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करनी है, जिससे हमारे ऑयल का जो इंपोर्ट है वो $40 बिलियन से कम हो सकता है। सो नीति आयोग, हम जानते हैं कि एक तरीके से थिंक टैंक है पीएम ऑफिस और पीएम के कैबिनेट का। सो अगर उन्होंने ये चीज़ अपना ली तो इससे बहुत फ़ायदा होगा। तो देखते हैं कि अभी कोरोना का टाइम चल रहा है, थोड़ा फाइनेंशियल स्ट्रेस है, लेट्स सी कि गवर्नमेंट इस पर्टिकुलर एडवाइस को अपनाती है या नहीं। सो दैट्स अ गुड थिंग। इफ़ यू रिमेंबर, मैंने लास्ट टाइम भी यही बोला था, कल लास्ट न्यूज़ में मैंने डिस्कस किया था कि फेम 2 में करीब 100 बिलियन रुपयों का बजट था। अगर बात करी जाए, 100 बिलियन रुपयों का बजट था फेम 2 में, जो कि गवर्नमेंट को, जो कि काफ़ी बड़ा था। 100 बिलियन रुपयों को अगर मैं डॉलर में कन्वर्ट करूं तो करीब करीब बनता है इसका हमारा 1.428 बिलियन। सो 1.42 बिलियन डॉलर का जो तो फेम 2 में था, लेकिन अब 4.6 बिलियन का नीति आयोग गवर्नमेंट को कह रहा है कि आप फ्रेश इंसेंटिव डालो बैटरी मैन्युफैक्चरर्स के लिए। और इसमें एक और चीज़ लिखी गाइस, अभी इंडिया जो बैटरी इंपोर्ट्स कर रहा है उसके ऊपर करीब 5% का इंपोर्ट टैक्स लग रहा है, लेकिन 2022 के बाद ये इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी जाएगी, जिससे कि हम अपनी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट कर सके। गाइस, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पर न्यूज़ आइटम पे। तो ये जूरिस्ट पे एक सज्जन है आदर्श आनंद करके, उन्होंने आर्टिकल लिखा है,
पेटी का बेसिकली आप मेरी लास्ट वीडियो देखोगे, लास्ट टू लास्ट वीडियो मैंने उसमें डेली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को अच्छे से समराइज़ किया है, तो वही चीज़ इन्होंने करी है। सब बातों की एक बात गाइस, 30,000 रुपये तक का इंसेंटिव मिलेगा 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स में, और करीब 1.5 लाख का इंसेंटिव मिलेगा 4 व्हीलर्स में। गाइस मूव ऑन करते हैं एथर 450X सीरीज़ कलेक्टर एडिशन। इसमें ये यहाँ पे आप देखेंगे तो एक तरीके से एडवर्टाइजमेंट है, बट इसमें एक बहुत ही अच्छा मॉडल लॉन्च होने वाला है जिसमें कि जो पैनल होगा वो थोड़ा ट्रांसल्यूसेंट होगा, जिससे कि पैनल होगा थोड़ा ट्रांसल्यूसेंट होगा जिससे कि आप ट्रक के, आप स्कूटर के अंदर भी देख सकते हैं। तो ये जो है एक अच्छी चीज़ हमें देखने को मिलेगी। और लेकिन दिक्कत की बात यह है कि जिन लोगों ने जनवरी 2020 में प्री बुक किया था ऑर्डर, ये उनके लिए अभी अवेलेबल रहेगा। गाइस एक गाड़ी है जो कि टेस्ला को बहुत बड़ी टक्कर दे सकती है सिर्फ $5,000 की, यानी करीब 3.5 लाख रुपए की चाइना में, और जनरल मोटर जो है उस गाड़ी को बैक कर रही है। सो ये गाड़ी ऐसी दिखती है, तो इससे हमें पता चलता है कि इलेक्ट्रिक गाड़ी सच में कोई बड़ी फैंसी हो ये ज़रूरी नहीं है। ये गाड़ी 30,000, 5 दिन में 30,000 यूनिट का इसको ऑर्डर मिल गया है, तो रूरल एरियाज़ में या सीनियर सिटीज़न के लिए ऐसी ही गाड़ी ठीक है, क्योंकि उन्हें ज़्यादा फास्ट गाड़ी नहीं चाहिए। ऐसी गाड़ियों को लो वेलोसिटी या फिर लो स्पीड इलेक्ट्रिक व्हीकल कहा जाता है, और इनकी भी बहुत डिमांड आने वाली है, लो स्पीड इलेक्ट्रिक व्हीकल LSEV। सो ये रूरल एरियाज़ में और सीनियर सिटीज़न में काफ़ी बिकेगी। सो ये छोटी सी कार भी टेस्ला को टक्कर दे सकती है। आगे बढ़ते हैं, एयर टैक्सी स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया है ईवी कार मेकर जी पिंग ने। आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, जी पिंग। सो गाइस इससे पता चल रहा है कि जो एयर टैक्सीज की जो ईवी कंपनीज हैं वो और भी अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस ट्रांसपोर्टेशन के डिस्कवर कर रही हैं, जिसमें से कि वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग एयरक्राफ्ट एक है। नेक्स्ट फाइनली गाइस, होंडा ने अपना कंसेप्ट मॉडल लॉन्च किया है जो कि आप देख सकते हो काफ़ी फ्यूचरिस्टिक है। ये उन्होंने लॉन्च किया था ऑटो चाइना 2020 डेब्यू में। सो द मॉडल इज़ नाउ आउट, लेट्स सी ये कब फाइनली प्रोडक्शन पे आता है, बट देखने में गाइस इसका डिज़ाइन काफ़ी फ्यूचरिस्टिक है, सो लेट्स जस्ट वेट फॉर द डिज़ाइन। सो गाइस ये थी आज की न्यूज़, आई होप आपको अच्छी लगी होंगी। प्लीज़ 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 लाइक और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, जिससे कि हम आपको सारी अपडेटेड ईवी न्यूज़ देते रहें। थैंक यू।